आएंगे। सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन धरा पर आज आपको वहां भव्य स्मारक देखने को मिलेगा, उनकी 25 फुट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, अन्न क्षेत्र मिलेगा, पार्क मिलेगा और जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क भी आपको वहां देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, ये भी मोदी जी के कारण हुआ। अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ, 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और रामलला के पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी किया गया। बहनों और भाइयों, एक तरफ समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले सपा बसपा कांग्रेस, इन दलों का गठजोड़ है और दूसरी तरफ 140 करोड़ भारतीयों को और देश के महापुरुषों को सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोगों ने तो चौधरी साहब का भी अपमान किया था, मोदी जी ने भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौधरी साहब को देकर के देश के किसानों का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए जब पहले चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार कार्य कल सायंकाल बंद होगा, एक दिन पहले नैटोर में नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए मैं आया हूं। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। बहन और भाइयों, यही भारत है। दुनिया में सम्मान नहीं था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, नक्सलवाद आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी। और आज नए भारत का भी दर्शन आप कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों